अस्सलाम वालेकुम नसरी क्लास के बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस मेहरा आपसे मुखातिब हूँ। बच्चे सबसे पहले नोटबुक खोलें। मेरी वालदैन से गुजारिश है कि वो बच्चे को इस तरह नोटबुक रेडी करके दें, ठीक है। उसके बाद हमारा अनुमान है अलिफ ता ये, हमने क्या लिखना है? अलिफ ता ये। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अलिफ। अलिफ हमने बिल्कुल सीधी लाइन से लिखने हैं। उसके बाद हमने लिखना है बे, बे के नीचे एक नुक्ता, फिर हम लिखेंगे पे, पे के नीचे तीन नुक्ते, फिर हम लिखेंगे ते, ते के ऊपर दो नुक्ते, फिर हम लिखेंगे टे, टे के ऊपर छोटी तोएं। उसके बाद हम लिखेंगे से, से के ऊपर तीन नुक्ते, उसके बाद हम लिखेंगे जीम, जीम के अंदर एक नुक्ता, फिर हम लिखेंगे चे, चे के अंदर तीन नुक्ते, फिर लिखेंगे हम हे, हे खाली होती है, उसके बाद हम लिखेंगे खे, खे के अंदर, खे के ऊपर एक नुक्ता, उसके बाद हम लिखेंगे दाल, दाल लिखेंगे, दाल के बाद हम लिखेंगे दाल, दाल के ऊपर छोटी तोएं, दाल दाल, दाल के बाद हम लिखेंगे जाल, जाल के ऊपर एक नुक्ता, आगे लिखेंगे हम रे, रे खाली होती है, रे के बाद हम लिखेंगे अड़े, अड़े के ऊपर छोटी तोएं, फिर हम लिखेंगे जे, जे के ऊपर एक नुक्ता, फिर हम लिखेंगे से, से के ऊपर तीन नुक्ते, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे सीन, इसी तरीके से फिर हमने लिखना है शीन, शीन के ऊपर तीन नुक्ते, फिर हम लिखेंगे स्वाद, स्वाद के बाद हम लिखेंगे ज्वाद, ज्वाद के ऊपर एक नुक्ता, उसके बाद हम लिखेंगे तोएं, तोएं खाली होती है, उसके बाद हम लिखेंगे जोएं, जोएं के ऊपर एक नुक्ता, उसके बाद हम लिखेंगे आइन, आइन खाली होती है, उसके बाद गाइन, गाइन के ऊपर एक नुक्ता, उसके बाद फे, फे के ऊपर एक नुक्ता, फिर हम लिखेंगे काफ, काफ के ऊपर दो नुक्ते, उसके बाद हम लिखेंगे काफ, काफ के ऊपर एक सिरा, उसके बाद हम लिखेंगे गाफ, गाफ के ऊपर दो सिरे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लाम, उसके बाद हम लिखेंगे मीम, मीम के बाद हम लिखेंगे नून, फिर लिखेंगे वाव, लिखेंगे हा, हा के बाद हम लिखेंगे हमज़ा, हमज़ा के बाद हम लिखेंगे छोटी ए,
छोटी के बाद हम लिखेंगे बड़ी। ठीक है बच्चे, आपने इसी तरीके से लिखना है। इसके बाद हमने लिखना है नेम। क्लास नर्सरी, आज का लेक्चर हमारा यहीं एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।